हाँ भाई, शारदा का ही एक पॉइंट है जहाँ हम जा रहे हैं, और हमारे साथ अंजुम भाई बताएंगे कि कहाँ जा रहे हैं, कैसा पॉइंट है, बताएं। आठ मिनट आगे निकल रहे हैं उस पर। हम अभी शारदा से पीछे गाड़ी आ रही है, पीछे गाड़ी आ रही है, जा रहे हैं। क्या नाम है, पुराना जो तारीखी किला शारदा यूनिवर्सिटी है, ये कैमरे को आगे कर दें। अच्छा, यहाँ इस पर जाएंगे। ये शारदा जो यूनिवर्सिटी तारीखी, इसका जो पस मंजर है वहाँ पे अंदर, उसका तो यूनिवर्सिटी तो मौजूद नहीं है। अच्छा, लेकिन यूनिवर्सिटी के आसार मौजूद है। उसके अंदर जो मंदिर था, मंदिर का जो बड़े बड़े पत्थर थे, सही, और वो जो उसका थोड़ा बहुत आसार, कदीम जो आसार, यानी 5000 पुराने साल की इसकी तारीख है। अच्छा, वो अभी हम ऊपर देखने जा रहे हैं। जबरदस्त, तो ऊपर चलते हैं। दिलचस्प जगह है, यूनिवर्सिटी के आसार हैं, कदीम मंदिर है। कितने साल पुराना? 5000 साल पुराना तारीख है इस यूनिवर्सिटी और इस मंदिर की। तो वहाँ चलते हैं, वहाँ जाकर आपको दिखाते हैं उस यूनिवर्सिटी की तरफ और उस तारीखी मंदिर की तरफ जिसकी तारीख 5000 साल पुरानी है बकौल अब्दुल कादिर अंजुम के। तो इस रास्ते से हम गुज़र रहे हैं, ऊपर चल के आपको दिखाते हैं कि क्या है, कैसा व्यू है। यकीनन बहुत ही शानदार व्यू मिलने वाला है, और उसकी जो हिस्ट्री होगी वो भी हम आपको बताएंगे। जी, ये रास्ता है उस यूनिवर्सिटी की तरफ का, और यहाँ से हम होकर आए, पहले यहाँ नीचे से आए थे, वहाँ फिर वहाँ से अब जा रहे हैं यहाँ। हम मौजूद हैं शारदा के एक तारीखी मकाम पर, और शारदा मंदिर इसकी तारीख भी बहुत पुरानी है। सन 23 ईस्वी से 27 ईस्वी तक इसकी तामीरात हुई, यानी कि ये आज से 2000 साल पुराना मंदिर है। और ये वो मंदिर है कि जिसको हिंदू मजहब में इंतहाई तकद्दस जो है ना हासिल है, और उनकी बहुत सी रसूमात, मजहबी रसूमात ऐसी हैं कि वो यहाँ पर आए बगैर मुकम्मल नहीं होती। यही वजह है कि हिंदुस्तान कश्मीर को जो इतनी ज़्यादा इस पर नज़र जमाए हुए, और ये अपने कब्ज़े में लेने के चक्कर में है, तो उसकी एक मेन वजह ये उनका मुकद्दस मकाम भी है। इसका तस्किरा अल-बिरूनी ने अपनी किताब अल-हिंद में किया है। किताबुल हिंद में उन्होंने तस्करा किया, और वहीं पर उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि इंतहाई कठिन और बर्फानी रास्तों की वजह से वो खुद यहाँ पर नहीं आ सके, लेकिन यह है कि इसकी मुकम्मल तारीख उन्होंने वहाँ पर बयान की है। 63 सीढ़ियाँ चढ़कर जब आप ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो मंज़र है, जो कि अभी आसार कदीमा की शक्ल इख्तियार कर चुका है, ये नज़र आता है। यहाँ पर फिर यूनिवर्सिटी हुआ करती थी शारदा यूनिवर्सिटी के नाम से ही, और इस यूनिवर्सिटी की अपनी ज़बान थी, अपना रस्मुल ख़त था, और इसका जो रस्मुल ख़त था वो देवताओं से की शक्लों से मिलता जुलता रस्मुल ख़त था। तो ये एक बहुत ही तारीखी मकाम है, यहाँ पर बहुत से इल्म मंतिक, फ़लसफ़ा, इल्म हैयत और फलकियात की तालीमात बाकायदा दी जाती थी। आज ये जगह एक तारीखी पस मंज़र तो रखे हुए, लेकिन सिर्फ आसार कदीमा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। यहाँ जो अंदर मंदिर है, यहाँ पर जो यहाँ पर किताबुल हिंद के हवाले से जो बात लिखी गई है, यहाँ पर देवमत के बुत तराशे गए थे, अंदर मुख्तलिफ जो है कुछ ऐसी इबारतें लिखी गई थी जो कि उनके मज़हब के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल थी। लेकिन आज चूंकि 2000 साल गुजर चुके हैं, यहाँ पर हमें कोई ऐसी चीज़ देखने को बज़ाहिर नहीं मिलती, लेकिन ये आसार जब आप देखते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यकीनन ये 2000 साल पुरानी इसकी तारीख होगी। अब चूंकि हर चीज़ को जवाल है तो ये भी जवाल पजीर है, और लेकिन इसकी जो अहमियत थी और जो इसकी तारीख थी वो आपको हमने बताई। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव भी लगी होगी, और ये जो मकाम है उसके हवाले से भी आपको बहुत सी बातें मालूम हुई होंगी, ख़ास तौर पे मंदिर के हवाले से और शारदा यूनिवर्सिटी के हवाले से। आज भी बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं जो पाकिस्तानी हैं, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, हिंदू मज़हब के जो पैरोकार हैं, वो आज भी इस मकाम को उतनी ही अहमियत देते हैं जितनी वो पहले दिया करते थे।